गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय अमृतेन सिंह, कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे। सबसे पहले महाशिवरात्रि, भोलेनाथ जी चढ़ाइए भैया, बेलपत्ती दूध वूध चढ़ाइए। छुट्टी है तो थोड़ा सोचा कि बात करता हूँ, लाइक वीडियो बनाते हैं। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी प्लेटफॉर्म की मॉक टेस्ट देनी चाहिए। फिर उन लोग के क्वेश्चन ये आते हैं कि सर 2018 का कट ऑफ तो काम गया था, 2019 का भड़ 20 का भड़ गया, 16 का देखो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखो, कौन सी मॉक प्लेटफॉर्म बढ़िया है या कौन सा जोन बढ़िया है जहां से हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता है इधर अप्लाई भी नहीं किया होगा, मैं जानता हूँ ना बहुत लोग की। इनफैक्ट मैंने खुद ने नहीं किया था अप्लाई। करेंगे मैंने, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को। यार देखो कैसा है ना, आपको ना जोन सिलेक्शन हो या मॉक टेस्ट सिलेक्शन हो, आपको प्रीवियस ईयर्स के आरबीआई के कट ऑफ देखने चाहिए। मेरे मैंने वही देख रहा हूँ, तो मैंने कल देख रहा था तो 16 का कट ऑफ मैंने देखा, तो सारा सब हर एक जोन का कट ऑफ कम था यार। मतलब ऐसा नहीं जो मतलब अभी देख रहे हैं यार, मुंबई का कितना 70 था, यूपी 79 गया, मैं लिख के भी रखा हुआ है, गुजरात 73 गया, नागपुर 71 गया, कोलकाता भैया 80 गया। और उसके बाद देख रहा हूं मैं 18 में तो थोड़ा उन्होंने लेवल पेपर का इजी किया और कट ऑफ बढ़ गया, जिसमें महाराष्ट्र गया अपना मुंबई 74, नागपुर 80 गया, गुजरात अपना 80 गया, यूपी 85 गया। उसके बाद जो 2020 में हाल हुआ, सब लोग वो 97 98 अटेम्प्ट करके आ रहे थे, जहां पे मैं को याद अच्छे से, और वहां पे कट ऑफ देखने मिले तो भाई तोते उड़ गए तोते, 96.25। मजा आ गया साला, इतना कट ऑफ भाई, बच्चे की जान ले लो हमसे भाई। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा यार, अपने आप को ना हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर रखो, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ लास्ट ईयर को कंपेयर किया, हाँ लास्ट ईयर तो इजी था, इस बार भी इजी आएगा, क्या पता है मॉडरेट आ जाए, कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। तो मैं आपको बोलूंगा यार, मेरे पास खुद 3-4 मॉक प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि, तो आप लोग भी ट्राई करिए। काफी सारे मॉक प्लेटफॉर्म्स है, लाइक ऑलिव बोर्ड हो गया, गाइडली हो गया, टेस्ट जोन हो गया, टेस्ट बुक हो गया, बायजूज हो गया, अड्डा हो गया, और भी कोई हो गए तो भैया वो सारी मॉक टेस्ट की पहले फ्री वाले मॉक टेस्ट दीजिए। उससे कैसा होगा, आपको सबका लेवल समझ में आएगा, फिर आपको जो लगता है कि कौन सा इजी है, कौन सा इजी टू मॉडरेट है, कौन सा मॉडरेट है, फिर आप 2 से 3 मॉक प्लेटफॉर्म को परचेज कर लीजिए। और मैं आपको बोलूंगा कि भाई स्मार्ट कीड़ा मैंने अच्छी मॉक टेस्ट है, काफ़ी बढ़िया उसका लेवल भी है, और मैंने भी उसकी मॉक टेस्ट एक ट्राई करी है। मैं उसकी जो मॉक है मैंने फ्री वाली दी भाई, अपन इतना मेरे पास पेड वाला प्लेटफॉर्म था, मैं दोस्त से मैंने बोला भाई कि मेरे को तो अपना पेड प्लेटफॉर्म दे, शेयरिंग बेसिस पे काम करते हैं, तो उसने मुझे अपना मॉक का प्लेटफॉर्म दिया, मैंने उसकी फ्री वाली आरपीआई असिस्टेंट की मॉक दी है, जिसका मैं स्कोर कार्ड भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप लोग यदि सोच रहे हो परचेज करने का तो आप लोग परचेज कर सकते हो, मेरा कूपन कोड ऐड करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसका मेरा कूपन कोड नितिन 14, इसलिए मेरा बर्थडे की डेट 14 है, इसलिए नितिन 14। अच्छी मॉक प्लेटफॉर्म है, अनिल सर भी बोलते हैं कि अच्छी प्लेटफॉर्म, अच्छी मॉक टेस्ट है स्मार्ट कीड़ा की, आरबीआई की। मैं ये बोलूंगा भाई मेरे करियर बताओ, आप लोग पहले ट्राई करो, आपको लगे कि बढ़िया है बहुत अच्छी है, फिर आप देख लो परचेस करना कर सकते हो आप लोग। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मॉक टेस्ट की, तो आप लोग पहली बारी मॉक को ट्राई करो फ्री वाली, देन इफ यू फील कि अच्छी है तो आप उसको परचेस कर लो, और मेरा कूपन कोड रिटर्न 14 ऐड कर दोगे तो आपको डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि चलो ये तो हो गई प्री की बात, मगर ईएसआईसी एग्जाम्स या आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम, इसका मेंस कैसे, और मेंस अगर आता है तो भैया करंट अफेयर्स कैसे, करंट अफेयर्स को कैसे करोगे? तो उसके लिए यार अपन अफेयर्स क्लाउड के बारे में बात करेंगे। अफेयर्स क्लाउड का कैसा, मेरे को लगता है पर्सनली काफी बढ़िया है, आई नो काफी ह्यूज कंटेंट होता है, मैसिव उसमें होती है चीजें, बहुत न्यूज होती है, बट आई गेस आज के टाइम में वही कंटेंट सबसे बेस्ट सबसे पावरफुल कंटेंट है, क्योंकि उतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और जगह भटकने की जरूरत भी है। और उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसमें किस तरीके से उसको रीड लर्न होता जाता है, उसके वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप लोग जाके जरूर देख सकते हो। उसकी जो अफेयर्स क्लाउड की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन कॉलम में दे दूंगा, वहां से जाके उनका जो पैकेज है उसको जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी लास्ट में एक चीज फिर से, भोले भोले ना जय भोले बम बम भोले, और पढ़ाई करो। मैं आज एक मॉक और दूंगा तो मैं उसकी भी लिंक शेयर करूंगा, तो बस मॉक टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और इस बार आरबीआई निकलना है। और बाकी ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं, तो जय श्री राम।